ओम शांति। आज बाप दादा के 8 सितंबर 2020 के मधुर महावाक्य सुनते हैं। और आज की मुरली में बाबा ने कहा जाता है कि रिलीजन इज माइट, लेकिन कौन से रिलीजन में ताकत है? संसार के अंदर सारे कल्प में अनेक धर्म आए, लेकिन किसी भी धर्म में ताकत नहीं रही। लेकिन जब परमात्मा इस संसार में अवतरित होते हैं, ब्रह्मा मुख के द्वारा ब्राह्मणों को रचते हैं, तो ये ब्राह्मण धर्म में ही ताकत है। और इसमें ताकत कौन सी है? तो बाबा कहे, बाबा के श्रीमत की ताकत है। श्रीमत से ही गति सदगति हो जाती है, श्रीमत से ही नई दुनिया नई राजधानी स्थापन होती है, और श्रीमत से ही अनेक आत्माओं का परिवर्तन हो करके संपूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। प्रश्न है, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है, कौन सी और कैसे? उत्तर है, तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सदगति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा ये ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। कौन सी प्राइज? कि तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिकिलदे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप एक ही बार हर 5,000 वर्ष बाद आते हैं जरूर। कल्प नाम रख दिया है, जो कहना पड़ता है इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5,000 वर्ष है। यह बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। यह कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते हैं। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं। बाबा ही जब इस संसार में आते तो अपना परिचय देते हैं, जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं, कोई को पता ही नहीं गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है। जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं तो बहुत प्यार होना चाहिए, उस पिता के साथ फादर के साथ बहुत प्यार होना चाहिए। बेहद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा, फिर पिता है तो उसके साथ वर्षा भी कनेक्टेड है। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा है, कौन सा अक्षर है? तो बाबा कहे, अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को, परंतु स्वर्ग को कोई जानते नहीं। सन्यासी तो मानते ही नहीं, सन्यासी तो मोक्ष में जाना चाहते हैं, तो वो स्वर्ग को क्यों मानते? वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेवनली गॉड फादर ये अक्षर बहुत मीठा है
और हेवन मशहूर भी है। तुम बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्र अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता है। जो जो सर्विसेबल है सभी तो एक रस सर्विसेबल नहीं बनते। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंचते ऊंच बाप की ही श्रीमत है। श्रीमद भगवद गीता भी गाई हुई है। यह है पहले नंबर का शास्त्र। बाप का नाम सुनने से ही झट वर्षा याद आ जाता है। यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉड फादर से क्या मिलता है, कौन सा वर्षा मिलता, क्या मिलता है, ये बाबा कहे दुनिया में कोई भी नहीं जानते। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। वो तो कृष्ण ही कहेंगे क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम समझते हो बाप ने ही राजयोग सिखाया जिससे सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। यह भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आया था, उनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा ही गुम हो गई है। शिव बाबा भारत में ही आए इसीलिए भारत में उसकी जयंती भी मनाते, परंतु फिर भी मनुष्य नहीं जानते क्योंकि बाबा कहे गीता में ही नाम गुम हो जाने से मनुष्य भी भूल गए। जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है उस बाप को भूल गए। इनको कहा ही जाता है एकज भूल का नाटक। एकज भूल का नाटक, बड़े ते बड़ी भूल यह है। परमात्मा बाप को नहीं पहचानते, ये सबसे बड़ी भूल है। बड़े ते बड़ी भूल यह है जो बाप को नहीं जानते। कभी कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं कच्छ मच्छ अवतार है, फिर कहेंगे ठिकर बितर में है। भूल में भूल होती जाती है, सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। सीढ़ी नीचे उतरते गए, कला भी कम होती गई, भूल पर भूल होती गए और तमो प्रधान बन गए। ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठिक्कर बितर में कह देते हैं। अभी बाप समझाते हैं तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो, कुछ भी किसको पता नहीं है। ड्रामा क्या है पूछते रहते हैं, ये दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे लाखों वर्ष आगे। समझते हैं पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। गायन भी है ना, कौन सा गायन है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। बाप ही आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी है अंत में, टाइम तो लगता है ना। यह भी बच्चों को समझाया है ज्ञान में इतना समय नहीं लगता है जितना याद की यात्रा में लगता है। 84 जन्म की कहानी तो जैसे एक कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किनों का राज्य था, वह राज्य कहाँ गया,
तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है। तुम हो कितने साधारण, अजामिल जैसे पापी, अहल्याएं, कुब्जाएं, भिल्लियां, उनको कितना ऊंच बनाते हैं। कितने साधारण, कैसे कैसे, अजामिल जैसे पापी, अहल्याएं, कुब्जाएं, भिल्लियां, उनको बाबा आकर कितना ऊंच बनाते हैं। बाप समझाते हैं तुम क्या से क्या बन गए हो। बाप आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते हैं तुम अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो। क्या पूछना है, आगे या कुछ जानते थे? कुछ भी नहीं, अभी जानते हो। बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। विश्व की बादशाही क्या होती है? विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकते। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप से कितना बार राज्य लिया है, बाबा से कितना बार राज्य लिया है। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। कब सुनाई नहीं, अभी अर्थ सहित तुम समझते हो। तुम बच्चे हो, बाप को तो याद कर सकते हो। आजकल छोटेपन में ही गुरु करते हैं, गुरु का चित्र बनाए भी गले में डालते हैं व घर में रखते हैं। बाबा अनुभवी है कि बाप का अपना चित्र होगा, लेकिन फिर साथ में गुरु का चित्र भी गले में भी डालेंगे या घर में भी रखेंगे। यहाँ तो वंडर है, बाप, शिक्षक, सतगुरु सब एक ही है। बाप कहते हैं मैं साथ में ले चलूंगा, तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो। कोई बाबा कहे तुमसे पूछेंगे तुम क्या पढ़ते हो, बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। यह है ही राजयोग। जैसे बैरिस्टर योग होता है तो जरूर बुद्धि का योग बैरिस्टर तरफ जाएगा। टीचर को जरूर याद तो करेंगे ना। तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए ही पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा, भगवान। उनका नाम तो एक ही है जो चला आया है। रथ का नाम तो है नहीं, मेरा नाम है ही शिव। बाप शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे। अभी तुम जानते हो ये कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है, इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है तो जरूर दो आत्माएं ठहरी, इसीलिए भाग्यशाली हो गए कि परमात्मा की प्रवेशता है उसमें। यह भी तुम जानते हो, बाबा कहे यह भी तुम जानते हो, और किसको तो यह ख्याल में भी नहीं आता। अब दिखाते हैं, भागीरथ ने गंगा लाई, क्या पानी लाया? अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो, क्या लाया है, किसने लाया है, किसने प्रवेश किया है? बाप ने किया ना। मनुष्य में पानी थोड़ी प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी थोड़ी आएगा। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते हैं। तो बाबा कहे कह देंगे भागीरथ से गंगा लाई, अब वो पानी की नदी जटाओं से थोड़ी निकल करके आएगी। कोई भी इन बातों पर सोचता तक नहीं, ख्याल भी नहीं करता। कहा ही जाता है रिलीजन इज माइट, रिलीजन में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? तो बाबा के सामने जो बैठे थे उन्होंने कहा,
ब्राह्मण रिलीजन में। बाबा कहे हाँ ये ठीक है, जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में ही है और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं, और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं। तुम अभी ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से, जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। विराट रूप भल बनाया है परंतु वह भी आधा है। आधा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा कहे उसमें देवता क्षेत्र वैश्य शूद्र दिखाए लेकिन ब्राह्मण चोटी नहीं दिखाई है, तो इसीलिए आधा हो गया। तो विराट रूप भल बनाया है परंतु वह भी आधा है। मुख्य रचता और उनकी पहली रचना को कोई नहीं जानते। बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी, इसमें ताकत है, चोटी में ही तो सारी ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है, इसीलिए दुनिया में भी ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं, कहते इस चोटी से ही हमारे अंदर ताकत आती है। वास्तव में याद के द्वारा ताकत मिलती है। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे ना, तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो, देवताओं से भी उच्च हो। तुमको अब ताकत मिलती है, सबसे जास्ती ताकत है ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या करते हैं? सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सदगति करते हैं। कैसे? श्रीमत द्वारा। तब बाप कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। सारे विश्व पर तुम राजाई करेंगे। अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है, कभी महिमा के गीत गाते, कभी फिर कहते हैं भारत की क्या हालत है, देख तेरे संसार की क्या हालत है। जानते नहीं कि भारत इतना ऊंच कब था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नरक यहाँ है, जिसको धन मोटर आदि है वह स्वर्ग में है। यह नहीं समझते स्वर्ग कहाँ ही जाता है नई दुनिया को। यहाँ सब कुछ सीखना है, साइंस का हुनर भी फिर वहाँ काम में आता है। यह साइंस भी वहाँ सुख देती है। यहाँ तो इन सबसे अल्पकाल का सुख, वहां तुम बच्चों के लिए यह स्थायी सुख हो जाएगा। यहां सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्माएं नहीं आएगी जो सिखेगी। यहां के बच्चे ही साइंस सीख कर वहां चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहां काम में आएंगे। अभी है अल्पकाल का सुख, फिर ये बॉम्ब्स आदि ही सबको खलास कर देंगे। मौत के बिगर शांति का राज्य कैसे हो? यहाँ तो अशांति का राज्य है। यह भी तुम्हारे में नंबरवार है जो समझते हैं। हम पहले पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। सुख में बाप तो आते ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए ना। भक्ति मार्ग में सबकी कामनाएं पूरी करता आया हूँ। बाबा कहे भक्ति मार्ग में भी सबकी कामनाएं पूरी करता आया हूँ। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं, देवियों को सजाएं, पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। कितना खर्चा होता है पूछो, ये कब से शुरू हुआ है? किसी से भी पूछो
यह कब से शुरू हुआ है? तो कहेंगे परंपरा से चला आया है। कितना भटकते रहते हैं, यह भी सब ड्रामा है। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको बहुत मीठा बनाने आया। ये देवताएं कितने मीठे हैं, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी, उन्हों की पूजा करते रहते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम उच्च प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी उच्च बनाता। ऊंचते ऊंच भगवान की है श्रीमत। कृष्ण की तो नहीं कहेंगे, गीता में भी श्रीमत मशहूर है। कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया। लेकिन कृष्ण के भी कौन से रथ में प्रवेश किया? जो बहुत जन्म पुनर्जन्म के बाद अंतिम जन्म, अर्थात श्री कृष्ण का नर स्वरूप, तो उस नर स्वरूप में शिव बाबा ने प्रवेश किया। कितनी वंडरफुल बात है, कभी किसकी बुद्धि में आएगा नहीं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं, सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाबा लिखते हैं, सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम उच्च सर्विस करते हो तो ये प्राइज मिलती है। तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज मिलती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कौन सी प्राइज मिलती है? नई दुनिया के राजधानी की प्राइस। तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है, तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो, तुम ये बैज नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि यह भी रूहानी मिलिट्री है? मिलिट्री वालों को हमेशा बैज लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता। वहां इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। तो बाबा कहे, वहां इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर बाप कहते हैं, मन मना भव, देह सहित सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। तो कृष्ण की डिनास्टी में आ जाएंगे, इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं। बाप की याद रहेगी। बाप इनके लिए भी बताते हैं, ये नारायण की पूजा करते थे, नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी, चलते फिरते उनको देखते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बैज तो जरूर लगा रहना चाहिए। तुम हो नर्स को नारायण बनाने वाले, साधारण नर को नारायण बनाने वाले। राजयोग भी तुम ही सिखलाते हो, नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो, बाप है शिव बाबा, दादा है उनका रथ। बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेंगे ना। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने। सन्मुख बैठने से याद पड़ती है, बाबा आया है ले जाने के लिए। बाप सन्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहां भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। अपने अपने स्थान पर बाबा कहे, रोज याद की यात्रा को बढ़ा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं, ऐसा मीठा बना हूं। दूसरी पॉइंट, बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल, अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना। आज की मुरली का मीठा वरदान है, श्रेष्ठ भावना के आधार से, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे बाप के संकल्प व बोल में, नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बन। बाबा कहे विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बन। आज का स्लोगन है मैंपन और मेरापन। मैंपन और मेरापन, यही देह अभिमान का दरवाजा है, जहां से देह अभिमान आता है। अब इस दरवाजे को बंद करो। अच्छा, ओम शांति।